हेलो, आज अपने गुणनखंड सीरीज में आगे वाला गुणनखंड करेंगे। 2x² + 10x - 48 और दूसरा करेंगे 2x² - 10x और - 48। इसमें गुणनखंड करने के लिए सर्वप्रथम अपने इस गुणनखंड को करेंगे। इसको एक बार अपने छोड़ देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए, ये भी वर्ग संख्या नहीं है, ये भी वर्ग संख्या नहीं है, तो पहली और अंतिम को गुणा करेंगे। ठीक है, पहली और अंतिम को गुणा करेंगे तो 2x² - -48, तो प्लस माइनस माइनस, 48 × 96 x². अब बीच में देखिए कितना है, 10x। ये प्लस है, ये माइनस है। पहला चिन्ह प्लस है, दूसरा माइनस है। इसका मतलब टुकड़े दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे और बड़ा टुकड़ा प्लस का होगा, छोटा टुकड़ा माइनस का होगा। बड़ा प्लस का होगा तभी तो आपस में घटने पर ये बचेंगे, यानी आपस में वो जुड़ेगी तो भी घट जाएगी। अब 96 के अपने टुकड़े करते हैं। देखिए किसके पाड़े में 96 आता है, 12 8 96 12 8 96, ये 96 आ गया। छोटा माइनस का लेना है, ये माइनस का, 12 में से 8 के 4, लेकिन अपना आना चाहिए 10, तो ये अपना टुकड़ा नहीं होगा। ठीक है, आगे होता है 16 6 96 16 6 96, प्लस माइनस माइनस, 16 6 96 x². अब 16x - 6x बराबर कितने आते हैं, 10x। आया कि नहीं आया, ये देखो, इसको भी संतुष्ट कर रहा है और ये 10x इसको भी संतुष्ट कर रहा है, प्लस का 10x आ रहा है। तो ये दोनों जो टुकड़े हैं ये 10x की जगह रखेंगे, किसकी जगह रखेंगे, 10x की जगह। 2x² लिखो, फिर 10x की जगह ये लिख दो, प्लस का 16x, यानी ये प्लस का है, चिन्ह कोई नहीं होता, प्लस का होता है, और माइनस का 6x और माइनस का आगे कितना है, 48। दो दो के समूह बनो वैसे, ये से। ठीक है, अब अपने इसमें से कॉमन निकालेंगे, यहाँ x² है, यहाँ x है, यानी x² लेंगे तो ये दे देगा, ये नहीं दे सकता। x लेंगे तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, इसके पास एक बच जाएगा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा, तो ये x हो गया। अब देखो अंकों में, देखो अंकों में क्या, 2 का भाग 2 में भी जाता है, 16 में जाता है, 2 को भी ले लो। कॉमन निकालने मतलब भाग देना, 2 × x² है तो x × x / 2 × x, यानी भाग दे दो, 2 से 2 काट दो, x से x काट दो, ये आ गया x प्लस। अब अपने 16x में 2 का 2x का भाग दो, 8 × 2 = 16, x से x को काट दो, ये आ गया 8, ये माइनस। अब यहाँ देखो x है, यहाँ x नहीं है, x तो कॉमन निकलेगा नहीं। 6 का पाड़ा देखो, 6 कम 6 और 8 6 48। ठीक है, 6 को कॉमन निकाल दो, दोनों में भाग जा रहा है 6 का, तो 6x में 6 को कॉमन निकाल, 6 से 6 कट गया, x आ गया, माइनस 48 में 6 का भाग दो 8 6 का 48, 8 आ गए। ये देखिए, ये चिन्ह अगर माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, प्लस का 8 6 48। इस चिन्ह का ध्यान रखें, ये चिन्ह आते ही ये जो चिन्ह है ये उल्टा होकर के यहाँ आएगा, x + 8 और दूसरा, ये देखो, और दूसरा है 2x - 6, ये आपके गुणनखंड हो गए। अब अपने गुणनखंड करने हैं इसके, देखो 2x² - 10x - 48, यानी यहाँ आ गया माइनस, यहाँ क्या आ गया, माइनस। अब माइनस आते ही अब देखिए, अपने 2x² - 10x - 48 करना है, तो ये बाहर बार बार गुणा करेंगे तो वही, ये प्लस का, ये माइनस का है, ये गुणा किया था अपने, ये तो सवाल था, ये गुणा किया था अपने, माइनस का 96 आया। अब देखिए, पहला चिन्ह माइनस है और दूसरा चिन्ह माइनस है, तो इसके अंदर विपरीत चिन्ह के टुकड़े होंगे और बड़ा टुकड़ा माइनस का होगा और छोटा टुकड़ा प्लस का होगा, क्योंकि यहाँ माइनस का बच रहा है।
अब अपने टुकड़े तो सेम ही होंगे ये, लेकिन अब की बार चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। अब की बार इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा और इसका प्लस हो जाएगा। 16 6 96 माइनस के 96 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 16 x और ये प्लस का 6 x घटाएंगे आपस में ये, तो माइनस के 10 x। ये देखो दोनों संतुष्ट कर रहा है, ये भी संतुष्ट हो रही है, ये भी 10 माइनस 10 का संतुष्ट हो रहा है। तो अब देखिए अपने 2 x की स्क्वायर, इसकी जगह इन दोनों पर रख देते हैं, माइनस के 16 x प्लस के 6 x और माइनस के 48। ये कोष्टक लगाओ, ये कोष्टक लगाओ, यानी दो दो के समूह बनाओ। इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स है तो दोनों में से लेना है, तो एक्स स्क्वायर ये दे देगा, ये नहीं दे सकता, ये एक्स दे देगा, ये भी एक्स दे देगा, क्योंकि इसके पास एक एक्स और बच जाएगा। दो का भाग इसमें जा रहा है, दो का भाग इसमें जा रहा है, दो को निकाल लो, दो गुणा एक्स गुणा एक्स, इसमें 2 x का भाग देंगे, एक्स एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, एक्स बच गया, माइनस 16 x है, इसमें 2 x का भाग देंगे, एक्स एक्स कट गया, 8 2 16 ये 8 आ गया, ये कोष्टक बंद। ये प्लस यहाँ देखो एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, तो एक्स तो निकल नहीं सकता। अब 6 का भाग देखो इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, 6 को कॉमन निकाल दो, 6 x में 6 का भाग दें, 6 से 6 कट गया, एक्स आ गया, माइनस ये चिन्ह प्लस हो तो इस चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये है वही आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, 8 6 48। अब देखो दोनों कोष्टक वाले आपके एक जैसे आगे, आपका सवाल सही है, एक्स माइनस 8 और ये हो गया 2 x प्लस 6। इस प्रकार से आप गुणनखंड को कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।